बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पाइसी जॉक फूड। आज मैं बना रही हूँ स्पाइसी जॉक फूड के किचन में मज़ेदार सी पंचमेली दाल। पांच दालों का मेल मिलाप बनाएंगे मज़ेदार सी। चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पंचमेली दाल बनाने के लिए मैंने दालों का इंतखाब किया है। मैंने ली है हाफ़ कप, ये वाला हाफ कप मैंने लिया है मूंग, हाफ कप मसूर और हाफ कप मैंने ली है चने की दाल, और क्वार्टर कप मैंने ली है माश की दाल, और क्वार्टर कप ही मैंने इसमें डाले हैं ये सफ़ेद लोबिया है। ये बीन्स मैंने क्या किया था, एक घंटे पहले पानी में भिगो दिए थे, क्योंकि इनको गलने में लगता है थोड़ा सा टाइम, तो अब ये एक घंटा भीग कर काफ़ी सॉफ्ट हो चुके हैं। ठीक है, ये दालें मैंने लेनी हैं इस मुनासबत से। अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे इन दालों को किस तरह से फर्दर प्रोसेस करना है। साफ़ करके दालों को हमने चुन के रख लिया था, अब हम यहाँ पर प्याले में डाल लेंगे दालों को, एक जगह मिक्स कर देंगे। कुल मिलाकर ये हमारी दालें हो जाएंगी पौने दो कप के करीब। ठीक है, और अगर हम लोबिया को ऐड कर लें तो दो कप हो जाएगा। अब हम इसे भिगो देते हैं पानी में। दालों को धोकर भिगो दिया है, अब यहाँ पर रखते हैं साइड पर, और अब हम लेंगे पानी। पानी मैंने ले लिया है 1.25 लीटर। अब ये 1.25 लीटर पानी है। अब ऐड करते हैं हम पानी में कुछ मसाले, जिसमें मैंने लिया है 1 टेबलस्पून भरकर लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून भरकर अदरक का पेस्ट, 1.5 टीस्पून नमक, 3 टीस्पून लाल मिर्चें, रेगुलर मिर्चें जो हम आमतौर पर खानों में इस्तेमाल करते हैं, 1/2 टीस्पून मैंने ली है कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया और 1 टीस्पून भर कर ली है हल्दी पाउडर। अब ये सारे मसाले हम इसमें शामिल करते हैं, और इसमें हम डाल देते हैं यहाँ पर प्याज काट कर थोड़ी सी स्लाइस करके बारीक बारीक, ये तकरीबन हमने डाली है 1.5 प्याज, छोटी छोटी सी, एक प्याज दरमियानी सी थी और एक छोटी थी, इसका मैंने हाफ पार्ट ले लिया है। ठीक है, ये डाल दिया है इसमें हमने। अब हम इसे चूल्हे पर बॉईल होने के लिए पानी को रख देते हैं। पानी चढ़ा दिया है, फ्लेम ऑन कर लेते हैं। चलिए पानी को बॉईल आने देते हैं, कवर कर देते हैं पतीली को। दाल का पानी रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, देखें पानी में बॉईल आ गया है। चलें जी, खोलते हुए पानी में डाल देते हैं दाल और लोबिया एक साथ। सिंपल एंड ईजी। स्ट्रेन करें और डाल दें दाल के पानी में दाल को। चलें अब हम रखेंगे पहले तो चूल्हा फुल फ्लेम पर, थोड़ा सा पानी में बॉईल आ जाए, फिर हम कर देंगे मीडियम लो ताकि दालें अच्छी तरह से पककर गल जाएं। दाल को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं, अब चेक करते हैं। ये देखें दाल इस तरह से पक चुकी है, लेकिन हम लोबिये को और चने की दाल को चेक करेंगे कि गल चुकी है या नहीं। अगर नहीं गली तो हम थोड़ा सा टाइम और देंगे। दाल है गरम बहुत ज़्यादा। चलें लोबिया को निकाल के चेक करते हैं आपके सामने। ये देखें चने की दाल तो गल चुकी है और लोबिया भी माशाल्लाह से बिल्कुल हलवा हो चुका है। सबसे पहला काम ये करना है कि इसको ढककर पकाना है, और बीच बीच में कोई भी मेटल का स्पून या स्पैचुला वगैरह नहीं चलाना। आपने जब भी चेक करना है या दाल को देखना है तो आप लकड़ी के चम्मच, लकड़ी के स्पैचुला या डोई की मदद से ही चेक कीजिए। ये अच्छी सी टिप है जो हमने आपको दे दी, बहुत ही इससे देखिएगा आपकी दाल कभी भी सख्त नहीं होगी और अच्छे से गलेगी। ये देखें मज़ेदार से तैयार हो गई अब दाल को हमें कंसिस्टेंसी भी देखें यही चाहिए, क्योंकि ये चावलों के साथ खाएंगे हम। दाल चावल की रेसिपी हम बना रहे हैं, मज़ेदार से दाल चावल। चलिए दाल को हम अब करते हैं साइड पर और चावल उबालते हैं, और फिर फाइनल लुक पर लगाएंगे दाल में तड़का। चावल उबल कर तैयार हो गए हैं, अब हम दाल में लगाते हैं अच्छा सा भगार। दाल को कर लेते हैं फाइनल। इस स्टेज पे मैं दाल में डाल दूंगी, ये मैंने काटी हैं तकरीबन 3 छोटी हरी मिर्चें, और इसी के साथ इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया। दाल में हमने धनिया और हरी मिर्चें डाल के देखें इसको 1 से 2 मिनट के लिए फिर से पका लिया है। अब इसे हम करते हैं फ्लेम लो और चूल्हे से
साइड पे कर देते हैं। अब हम ले लेते हैं फ्राइंग पैन और इसमें डालते हैं ऑयल। ऑयल को गर्म होने देंगे और इसमें लगाते हैं भगार, यानी कि तड़का, मज़ेदार सा। ये जो पचमेली दाल हमने बनाई है इसमें हम लगाएंगे प्याज का भगार और 5-7 हम डालेंगे इसमें लाल साबुत मिर्चें। आपको अगर पसंद हो इस दाल में ज़ीरा और कड़ी पत्ता तो डाल दें, लेकिन मैं इस दाल में जब इस तरह से दाल बनाती हूँ तो उसमें हम डालते हैं सिर्फ भगार डालते हैं प्याज का। प्याज से इतने मज़े की लगती है, बिल्कुल ऐसा लुक आएगा आपको कि जैसे आप दलीम खा रहे हैं। आप ये बनाएं दालें और आप फिर उंगलियां चाटते रह जाएंगे दाल चावल, और फिर खाएं मज़े मज़े से और मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। चलें, ऑयल गर्म हो रहा है, इसमें मैं डाल देती हूँ प्याज। बिल्कुल प्याज को हम गोल्डन ब्राउन करेंगे, कच्ची प्याज का भगार नहीं लगता है। जैसे कि हम कोरमे के लिए करते हैं प्याज ब्राउन, बिल्कुल वैसे ही सेम प्याज इसी तरह से ब्राउन कर लेंगे। अब कर देते हैं थोड़ा सा फ्लेम लो। देखें प्याज ब्राउन होने पे आ गई है। चलें अब जल्दी से इसको दाल में डाल देते हैं। दाल में डाल दिया भगार और मैंने कर दिया था कवर। दाल चावल तो हो गए हैं हमारे तैयार, अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं। चूँकि हम कर रहे हैं एक यूनिक तरीके से, आज डिश आउट करेंगे दाल चावल को, तो मैंने चावलों को देखिए निकाल लिया है प्लेट में। और चावल बॉईल करने का तरीका जो है वो मैं अपनी कई रेसिपीज़ में, जो कि दाल चावल की मैंने पहले बनाई थी, काले मसूर की दाल और खट्टी दाल, उसमें भी बता चुकी हूँ। अगर आपने मेरी वो रेसिपी नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दूंगी, आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और अब इस पर हम डालेंगे दाल। कितनी ही ज़बरदस्त दाल तैयार हुई है ये देखें। चलें अब इसे हम कर देते हैं साइड पर, और इसके साथ हम रखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा प्याज, टमाटर और खीरे का सैलड, जो कि मैंने तैयार करके पहले से रखा हुआ है। और अब हम इसे इंजॉय करेंगे मज़ेदार सी। मैंने बनाई थी भिंडियाँ, ये कुरकुरी भिंडियाँ हैं, इसके साथ इंजॉय करेंगे, बहुत मज़े की लगती हैं दाल चावल के साथ, शामी कबाब के साथ। ये मैंने आपको एक बेहतरीन सी रेसिपी दी है, आप जब दिल चाहे शामी कबाब बना रहे हैं उसके साथ बनाइए और इन्जॉय कीजिए। आप यकीन कीजिए इतने मज़े की लगेंगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त लग रहा है ये दाल चावल का प्लेटर जो मैंने तैयार किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। दाल चावल ऐसी डिश है जो हर घर में हर मौके पर खाई जाती है, सर्दियां हो गर्मियां हो, दाल चावल से दिल कभी नहीं भरता, इतने मज़े की लगती है। और अब मेरे मुंह में आ रहा है पानी और मेरा दिल चाह रहा है कि मैं फ़ौरन से खाऊं और इन्जॉय करूं। दाल चावल को देखकर वैसे ही भूख में इजाफा हो जाता है। तो जाइए बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। चलते हैं फिर मिलेंगे एक नई मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि टाइमली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।